ओके, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, उसके कारण लेट हो गए। मेरी आवाज आपके पास क्लियरली आ रही है? मेरी वॉइस आपको सुनाई दे रही है? अभी स्टार्ट करते हैं, जस्ट विद इन सेकेंड्स में, डोंट वरी। आप सभी के पास मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है? आज टॉपिक्स काफी अच्छे हैं, जो सीखने लायक हैं। आज टॉपिक्स काफी अच्छे हैं दाइंदू में, जिनके ऊपर हम कंसंट्रेशन करेंगे। यस यस, ओके ओके। तो सभी लोग, पल्लवी राज जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नरेंद्र जी, शिवानी, राजीव, इमरान सर, नरेंद्र, सुरजीत एंड पल्लवी, आशुतोष, राजीव गिरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर आशुतोष। ओके, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, उसके कारण हम लेट हो गए। डोंट वरी, अभी क्लास स्टार्ट करते हैं अच्छे से। जो सभी लोग जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजपूत काजल जी, वकुल कुमार, नरेंद्र जी, सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, 13 जून 2020। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक्स काफी अच्छे हैं, जो हमें काफी कुछ सिखाता है, और एक जो इनोवेटिव थॉट्स है, कैसे हम एक इनोवेटिव थॉट्स में सोच सकते हैं टॉपिक्स को लेकर। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम टॉपिक्स सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे काम के हैं। तो यहां से देखें अगर तो सुप्रीम कोर्ट अलाउज फर्म्स टू नेगोशिएट विथ स्टाफ ऑन लॉकडाउन वेजेस। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डिसीजन दिया है कि कोई भी कंपनी है, अगर उसमें वहां पर मजदूर काम कर रहे हैं, तो वेजेस को लेकर क्या कर सकता है वो, उसके साथ वो क्या कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है। यहां पर सीधा लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अलाउज फर्म्स टू नेगोशिएट विथ स्टाफ टू लॉकडाउन वेजेस। कि अगर आपके यहां पर 10 मजदूर काम करते थे, अगर उनको महीने की जो वेजेस है, अगर टोटल वेजेस आप देते थे 10,000, तो हो सकता है अब अभी आपके पास उतना पैसा नहीं हो, तो आप 5,000 भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नेगोशिएशन, समझौता। तो सुप्रीम कोर्ट का खुद का डिसीजन है यहां पर कि नेगोशिएशन के साथ आप ऐसा करोगे। अभी कोई रूल ऐसा नहीं है विद नेगोशिएशन, और ये अच्छा स्टेप है सुप्रीम कोर्ट का, ये अच्छा स्टेप है। अगर किसी को अब कम पैसा भी मिलता है और कोई कंपनी कम पैसा भी देती है किसी को, तो अब उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक लाइन हमें याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउज फर्म्स टू नेगोशिएट, और नेगोशिएशन हमेशा एक अच्छा पॉइंट होता है। तो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये सिर्फ यहां पर हमको इतना सा याद रखना है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, वो है यहां पर एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि दिल्ली गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि आपने जो टेस्ट करते थे पहले, उसको टेस्ट को कम क्यों कर दिया। देखो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने थोड़े से ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, तो होता क्या है हमारा डेमोक्रेसी इंडिया में, लेकिन हो क्या रहा है यहां का, अगर केस देखो मैं यहां का केस अगर हम फॉलो करें इसको, तो यहां पर समझना, हम न्यूज सेलेक्ट कर रहे हैं केवल, ऐसा मत सोचना कि इससे पढ़ेंगे, हम स्लाइड से पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। यहां देखना विद मैप, दिल्ली गवर्नमेंट आस्क्ड टू एक्सप्लेन डिक्लाइन इन कोविड-19 टेस्टिंग। हुआ क्या है कि आज ही का दिन है, आज के दिन जो कल मींस 12 था, अगर वहां टेस्टिंग हुई थी तो लगभग 2000 केसेज आए कहां, दिल्ली में, मोर देन 2000 एक ही दिन में। अब हुआ क्या है, यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट सोच रही है कि अगर मैं ज्यादा टेस्टिंग करूंगी, दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि अगर हम ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो हो सकता है केसेस ज्यादा आए, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, 7,000 की जगह 5,000 केसेज अब क्या कर रहे हैं, टेस्ट लोगों को, जबकि इनको तो बढ़ाना चाहिए था आए दिन, मींस आने वाले दिनों में, जबकि ये क्या करती है, टेस्टों की संख्या कम कर दी है। मींस ये क्या चाहते हैं कि जो टेस्ट होंगे ज्यादा, तो ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ग्रसित पाए जाएंगे, तो हमारी क्या होगी, बदनामी। हमारा जो एक जो सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर को लेकर हमेशा दिल्ली गवर्नमेंट क्या बोलती रहती थी कि हमने इतना विकास किया, इतना अच्छा किया, वो सभी पोल खुल जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है। यहां से आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट रहेगा, फर्स्ट यहां पर गवर्नमेंट पुट्स ऑफ डिसीजन ऑन स्टेट जीएसटी ड्यूज टिल जुलाई
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हम देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल क्या होती है। यहां से क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि जीएसटी काउंसिल क्या होती है। हमारे टॉपिक जो रहेगा आज का डिस्कशन का, वो फर्स्ट टॉपिक हम रहेगा जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल के साथ ही यहां पर कंपनसेशन सेस ये क्या होता है, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। यहां पर कंपनसेशन सेस तो ये क्या होता है कि यहां पर समझना, 2022 तक रेवेन्यू कलेक्शन अगर कम रहता है, मींस अगर स्टेट्स का रेवेन्यू कलेक्शन जीएसटी से पहले ज्यादा था और 2022 तक जितना रेवेन्यू कलेक्शन पहले से कम होता है किसी स्टेट का, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, जीएसटी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन सेस। यस यस, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर आप समझेंगे जीएसटी क्या है। जीएसटी क्या है, जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जीएसटी। जीएसटी, यस, जीएसटी कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझेंगे। यस, जीएसटी कॉन्सेप्ट। तो जीएसटी परिषद, यहां पर इससे संबंधित कभी भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर कभी भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इसको कैसे करेंगे सोल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां समझना, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फर्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मींस संवैधानिक निकाय। मैंने पहले भी आपको बताया था, हेलन, विकास, अमन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आप जब भी यहां पर डिस्कशन करते रहे तो मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि आपस में बातें ना करें, माय डियर फ्रेंड्स, आपस में बातें ज्यादा ना करें, कंसंट्रेशन और टॉपिक। तो यहां पर कौन कहां से है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, सब भारत से हैं, नॉट यूपी फ्रॉम राजस्थान, फ्रॉम कर्नाटका, तेलंगाना, नो, वी ऑल आर फ्रॉम इंडिया, सो नो नीड टू टॉक एंड आस्क यू आर वेयर फ्रॉम यू आर, सो नो नीड। तो यहां पर जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय है। तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा। हमने पहले भी कई बार डिस्कशन किया है कि कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी रहती है, कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी रहती है वो तीन कई प्रकार की हो सकती है, वो संवैधानिक भी हो सकती है, वो सांविधिक भी हो सकती है, और वो गैर संवैधानिक भी हो सकती है, मींस संविधान से बाहर, जिसे गवर्नमेंट सिंपली किसी ऑर्डर के द्वारा बनाई जाती है, जो ना संवैधानिक रहती है ना ही सांविधिक। तो सांविधिक कौन सी होती है, जिसे नॉर्मल एक्ट के द्वारा बनाया जाए, और संवैधानिक कौन सी होती है, जिसे या तो संविधान निर्माण के समय बनाया गया हो या संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया हो। तो यहां पर समझना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसे आर्टिकल 279A के तहत बनाया गया है। एंड इट मेक्स रिकमेंडेशन, ये क्या करती है, सिफारिश करती है टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन इश्यू रिलेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल, कौन सा, 101st, मींस 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया था, उसके तहत इसको लाया गया। मींस यहां क्या किया गया है, संविधान संशोधन। और अगर इसके लिए मेजोरिटी की बात करें, किसमें कौन सा संविधान संशोधन में कौन सी मेजोरिटी लगी थी, तो यहां पर हम देख सकते हैं इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ी थी। ये जो संविधान संशोधन किया गया था इसके लिए विशेष जो बहुमत है उसकी जरूरत पड़ी थी। यहां पर 2/3 प्रेजेंट प्लस वोट, ये फर्स्ट मेजोरिटी, दूसरी हाफ टोटल, ये मेजोरिटी, और एक तीसरी मेजोरिटी हाफ से ज्यादा स्टेट्स की मेजोरिटी, और यहां पर स्टेट्स में साधारण बहुमत, कौन सा, प्रेजेंट प्लस वोट। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो आप एक बार जाकर लक्ष्मीकांत को एक बार जरूर पढ़े, वहां पर आप पढ़ना संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में सीधा लिखा हुआ है कि विशेष बहुमत दो प्रकार के हो सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत। एक में 2/3 प्रेजेंट एंड वोट एंड हाफ टोटल, अगर कोई संघीय मामला रहे तो आधे राज्यों का साधारण बहुमत के द्वारा भी वो मामला पारित होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां समझना, यहां से डायरेक्टली कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जीएसटी काउंसिल चेयर्ड, मींस इसका जो चेयरमैन है वो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जिसकी प्रेजेंट में चेयरमैन है। तो निर्मला सीतारमन जी से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करता है, मींस
एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका चेयरमैन कौन होता है, तो क्यों ना क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां से समझना। अगेन अदर मेंबर्स आर यूनियन स्टेट मिनिस्टर, जो यूनियन स्टेट मिनिस्टर है रेवेन्यू और फाइनेंस, और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, ये इसके सभी मेंबर होते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज ए फेडरल बॉडी, फेडरल बॉडी में संघीय इसको बॉडी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का रिप्रेजेंटेशन है, सेंटर और स्टेट दोनों का रिप्रेजेंटेशन है। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं जीएसटी काउंसिल में, वो सेल बी टेकन मींस कैसे लिए जा सकते हैं, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 मींस 75% वोट पड़ने चाहिए, तभी जाकर कोई भी निर्णय यहां लिया जा सकता है। मींस यहां निर्णय लेने के लिए क्या है, 3/4 प्रेजेंट प्लस वोट ये होना चाहिए, तब जाकर इसमें डिसीजन होगा। तो 3/4 के साथ इसमें डिसीजन होता है। और जो एक कॉन्सेप्ट है वो है कि यहां वोट किस किस को कितना मिला हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में वोट जो टोटल वोट में से कितना शेयर मिला हुआ है, 1/3, 1/3 मींस 33%, और जो बाकी जो वोट है 2/3 वोट किसको मिला हुआ है, 2/3 मिला हुआ है राज्य मींस स्टेट गवर्नमेंट्स को, 2/3 किसको मिला हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो ये दोनों समझ लेना कि किसको कितना वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है। इन दोनों को मिलाकर जब तक 3/4 वोटिंग नहीं हो जाती तब तक क्या नहीं होगा, कोई भी प्रस्ताव जीएसटी में पारित नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। जीएसटी काउंसिल यहां पर संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 279A के तहत इसको बनाया गया है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में, इसका चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। राज्यों इसमें जो बहुमत होता है, बहुमत वो कितना चाहिए, 3/4 चाहिए, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 बहुमत मिला हुआ है और राज्यों को मिला हुआ है 2/3 बहुमत। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जहां से जीएसटी काउंसिल से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको बना दोगे, आसानी से अब यहां आप क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। आगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जीएसटी काउंसिल के अलावा, ये हमारा जीएसटी काउंसिल का टॉपिक था माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें हमने जीएसटी काउंसिल के बारे में देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम चलते हैं पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पर हमारा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें, नो नीड टू डिस्कस एनी टॉपिक ऑन पेज नंबर 2। तो यहां पर चलते हैं पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 भी दिल्ली गवर्नमेंट से संबंधित हो तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम पेज नंबर 3 को भी डिस्कशन नहीं करेंगे। पेज नंबर 4, नॉर्थ एंड ईस्ट से संबंधित पूरी डिस्कशन है, तो यहां पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम छोड़ सकते हैं। पेज नंबर 5, यहां पर भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो हम इसका भी डिस्कशन नहीं करेंगे। एक छोटा सा याद रखना कि जो लोनार झील है, बस इतना सा याद रखना, लोनार झील कहां है, महाराष्ट्र में, लोनार झील है बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट, वहां पर जो कलर है झील का वो चेंज हो गया है, तो अब आने वाले टाइम में इसका पता लगेगा कि इसका एक्चुअल रीजन क्या था, पेज नंबर 6, पर हम डिस्कशन करेंगे किसका, एक यहां पर डेजर्ट क्लाउड। माय डियर फ्रेंड्स, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहां पर पूरा इंटरेस्टिंग है, टॉपिक पूरा एंटी डिफेक्शन से संबंधित, मींस दल बदल कानून, कि एक पार्टी से लोग दूसरी पार्टी में कैसे दल बदल हो जाता है, हॉर्स ट्रेडिंग कैसे होती है, इससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची, यहां से हम इसको देखेंगे पूरा ये टॉपिक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे संबंधित जितना जो जॉर्ज फ्लॉयड था, ये हमारा सेकेंड टॉपिक हो सकता था, लेकिन ऑलरेडी हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेली इन्होंने जो पॉइंट्स लिखे हैं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो डायरेक्टली हमने पहले भी डिस्कशन किया कि ब्लैक एंड व्हाइट, बर्डन थ्योरी क्या है, उसी सबको लेकर यहां पर पूरा आर्टिकल लिखा गया है, तो जरूरी नहीं कि इसका दोबारा हम डिस्कशन करें। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है यहां पर ये टॉपिक है, अगर हम पहले इस टॉपिक का डिस्कशन करें फर्स्ट, यहां पर ये टॉपिक हमारा सेकंड रहेगा इस पेज पर, और जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है ये यहां पर रहेगा एंटी डिफेक्शन लॉ, तो हम चलते हैं पहले एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, एंटी डिफेक्शन क्या है, पूरी कहानी क्या है उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। पूरी कहानी क्या है उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। यस, यहां देखना क्या पूरा प्रॉब्लम था माय डियर फ्रेंड्स। एंटी डिफेक्शन लो मींस इसे बोलते हम दल बदल कानून, दल बदल कानून। दोस्तों वो क्या रहा था कि किसी एक पार्टी से कोई चुनाव जीत गया, जैसे बीजेपी का कोई सदस्य है, यहां पर कोई कांग्रेस का सदस्य है, तो आपस में अगर कांग्रेस वाले किसी एमपी को, एमपी भी हो सकता था, एमएलए भी हो सकता है, अगर इसको लगता है कि बीजेपी में प्रेजेंट टाइम में मलाई खाने को मिलेगी, या फिर बीजेपी के किसी सदस्य को लगता है कि कांग्रेस में मलाई खाने को लगेगी, या कोई अन्य पार्टी के लोग हैं उनको लगता है कि यहां पर कांग्रेस में आएंगे तो मलाई मिलेगी, मीन्स कोई पद मिलेगा, बीजेपी में आने से पद मिलेगा, तो क्या होता है, ये अपनी पार्टियों को छोड़ छोड़कर दूसरी पार्टियों में आ जाते थे, मीन्स अपॉर्चुनिस्ट राजनीति चल रही थी, अपॉर्चुनिस्ट राजनीति चल रही थी। इससे परेशान हो गए, इससे परेशान हो गई कौन, गवर्नमेंट्स। क्या होता था कि आज कोई गवर्नमेंट बनी है, पता लगा कि मेरा कोई सदस्य दूसरी गवर्नमेंट में शामिल हो गया, तो ये इस सिर दर्द से बचने के लिए क्या लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाना पड़ा, दल बदल कानून, दसवीं अनुसूची। तो पूरा देखेंगे, यूपीएससी 2016 में यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, दो तीन बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि इस लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, सुषमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दीपशिका सिंह जी गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। तो यहां समझना व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, तो इट्स रेफर्स टू आयाराम और गयाराम की राजनीति कल्चर। आयाराम गयाराम का मतलब क्या होता था, आज आप सोचिए कि यहां पर कोई पार्टी है बीजेपी, बीजेपी की कोई पार्टी है और यहां कांग्रेस है। अगर सोचिए कि कांग्रेस, बीजेपी का कोई एमपी है या एमएलए है, कांग्रेस में चला गया और एक महीने के अंदर ही उसे लगा कि कांग्रेस में मुझे फायदा नहीं हो रहा, वापस कांग्रेस को छोड़कर वापस आ गया, अगेन उसको लगा कि बीजेपी में वापस मेरी कोई वैल्यू नहीं रही, वापस कांग्रेस में और वापस कांग्रेस से बीजेपी। तो ये आयाराम गयाराम की राजनीति, कभी यहां गए कभी यहां आ गए, तो ये जो राजनीति थी एमपी एमएलए की, इसको आयाराम गयाराम की जो राजनीति थी इसको कैसे रोका जाए। और ये हरियाणा का एक एमपी एमएलए था इसके कारण आया, इसका नाम था गयालाल, समझना इसको। हरियाणा का एक एमएलए था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली गयालाल, उसने चेंज्ड हिज पार्टी ट्वाइस इन वन डे, एक ही दिन में उसने अपनी पार्टी को दो बार चेंज कर लिया, एंड थ्राइस विद इन ए फोर्थ नाइट इन 1967 में उसने एक दिन में दो बार और पूरी जो 24 आवर्स है उसमें तीन बार अपना क्या कर लिया, पार्टी को चेंज कर लिया। इन रेस्पॉन्स टू दिस राजीव गांधी गवर्नमेंट ब्रॉट एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रेजेंटेड सच पॉलिटिकल डिफेक्शन इन 1985 में। राजीव गांधी जी परेशान हो गए कि क्यों, कैसे इन एमएलएस का एक पार्टी से दूसरी पार्टीज में जो मलाई खाने की जो आदत पड़ गई है उसे कैसे रोका जाए। एंड उसके बाद एंटी डिफेक्शन लाया गया, द लॉ इज नेसेसरी बिकॉज व्हेन ए वोटर डिसाइड्स टू कॉस्ट हिज एंड हर वोट्स फॉर ए कैंडिडेट एंड सी एंड ही इज कंसिडर्ड नॉट ओनली द कैंडिडेट बट ऑल्सो द पार्टी। वो कई बार क्या होता है, हमने देखा होगा कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं ना कि किसी व्यक्ति को, और व्यक्ति क्या करता है बाद में पार्टी छोड़ देता है, तो इसको कैसे रोका जाए। इसीलिए 1985 में 10th शेड्यूल जोड़ा गया, 10th जो शेड्यूल था वो जोड़ा गया दसवीं अनुसूची, और वहां पर इसे 1985 में 10th शेड्यूल के रूप में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। अमेंडमेंट एंड शेड्यूल आर कनेक्टेड विद आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191. तो यहां पर अब समझना, यहां पर आपके समझने के लिए है कि जो आयाराम गयाराम की राजनीति थी एक पार्टी को दूसरी पार्टी में छोड़कर, तो वहां क्या लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये कैसे क्यों लाया गया, ये आप सभी को पता लग गया होगा, कब लाया गया, 1985 में एक 52वां संविधान संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 52वां संविधान संशोधन, अगेन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किसके समय लाया गया, राजीव गांधी साहब के समय। क्वेश्चन यहां से यूपीएससी 2019 में दो क्वेश्चन थे, किससे,
एक शेड्यूल जो है मिस अनुसूची, यहां से फिफ्थ अनुसूची और एक अनुसूची फर्स्ट अनुसूची। पहली अनुसूची मिस जमींदारी जो कानून था और पांचवी अनुसूची एसटी एससी जो एरिया है उसका जो प्रशासन है जो राष्ट्रपति देखता है, इन दोनों से संबंधित यूपीएससी 2019 में डायरेक्टली प्रीमे क्वेश्चन थे। तो क्यों नहीं हो सकता कि आने वाले समय में यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए। वैसे 2016 में डायरेक्टली पूछा गया था कि दसवीं अनुसूची किससे संबंधित है, लेकिन यहां पर राजीव गांधी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा संविधान संशोधन है ये पूछा जा सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंटी डिफेक्शन लॉ कब लगेगा? अगर कोई व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है, अगर ये बीजेपी का है और ये किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ये व्यक्ति जाकर किसमें मिल जाता है, कांग्रेस में, तो ये कब कब लगेगा? ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस रहेगी जब ये लॉ लगेगा? और ये व्यक्ति अगर बीजेपी से कांग्रेस में जा रहा है तो ये डिसीजन कौन करेगा, ये डिसीजन कौन लेगा कि ये व्यक्ति एंटी डिफेक्शन किया है, मीन्स इसका क्या हुआ, दल बदल हुआ है, ये डिसीजन कौन करेगा? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें? किस चीज का पीडीएफ चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? किस लेक्चर का पीडीएफ? लेक्चर का तो अब लाइव नोट्स बनते हैं, तो आई थिंक नो नीड ऑफ पीडीएफ। अभी तो लाइव मैं नोट्स बनवाता हूं, पहले हम नोट्स लाइव नहीं बनवाते थे जब आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ती थी। तो यहां समझना पूरी कहानी क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया और डिसीजन कौन लेगा कि कोई पर्टिकुलर सदस्य है वो एंटी डिफेक्ट हुआ अब, और किस किस आधारों पर ये कहा जाएगा कि उसने दल बदल किया है। तो यहां समझना, अगर कोई व्यक्ति पार्टी ए है या पार्टी बी है, अगर ये व्यक्ति, सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि पार्टी ए है मान ली बीजेपी और यहां पर है कांग्रेस, ये कोई एक व्यक्ति है, ये एमपी भी हो सकता है और ये एमएलए भी हो सकता है, मींस ये राज्यों का विधान परिषद में या विधानसभा में मेंबर हो सकता है और ये राज्यसभा लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है। जो फर्स्ट है यहां पर, ये फर्स्ट है, वो है यहां पर मिस्टर आशुतोष सिंह, व्हाट डू यू मीन ट्राई जंक्शन? पूछेंगे ट्राई जंक्शन, यस बताएंगे ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन यहां पर समझना, यहां पर तीन अगर देशों के बीच में कोई स्थान है, इंडिया, चाइना एंड नेपाल, तो ये क्या है यहां पर ट्राई जंक्शन। जैसे डोकलाम जो है वो ट्राई जंक्शन पर है, जो लिपुलेख पास है वो भी ट्राई जंक्शन पर है, तो तीन देशों से घिरा हुआ क्या होता है, ट्राई जंक्शन। तो यहां समझना, अब ये एमपी एमएलए है, ये मान लीजिए किसी पार्टी का है, ये बीजेपी का है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है कि ये अपनी पार्टी को वॉलेंटरीली छोड़ दे, मिस स्वैच्छिक त्याग दे दे। अगर मान लीजिए प्रकाश जावड़ेकर साहब अपनी बीजेपी पार्टी से लड़े, लेकिन थोड़े दिनों बाद बोले कि नहीं, मुझे बीजेपी पार्टी पसंद नहीं आ रही है, उन्होंने स्वैच्छिक रूप से बीजेपी को त्याग दिया, तो उनकी बीजेपी से सदस्यता तो जाएगी, साथ में उनकी जो एमपी है वो, उसकी सदस्यता भी जाएगी। मींस अगर कोई सदस्य किसी पार्टी से चुनाव लड़ा है और अगर अपनी पार्टी का स्वैच्छिक रूप से त्याग करता है तो उसकी सदस्यता जाएगी, उसकी सदस्यता उसके साथ ही चली जाएगी। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट है, सेकंड कि और किस आधार पर उसकी सदस्यता जाएगी, एक हो गया वॉलेंटरी रिजर्व, इसके आधार पर एक यहां पर मोदी साहब है, बीजेपी गवर्नमेंट है और उसके एमपी हैं, कहां पर, राज्यसभा में लोकसभा में एमपी, और मोदी साहब की गवर्नमेंट ने यह कहा कि आपको पर्टिकुलर ये बिल आया है इसको सपोर्ट करना है, सभी एमपीज को क्या करना है, सपोर्ट करना है, और इन एमपीज ने क्या किया, इस बिल को सपोर्ट नहीं किया, मींस किसी बिल के अगेंस्ट क्या किया इन्होंने, वोट, तो वोट अगेंस्ट कर रहे हैं, मींस अपनी पार्टी जो है, अपनी पार्टी ने जो व्हिप जारी की है, मींस दिशा निर्देश जारी किए हैं, अगर उसके अगेंस्ट जाकर वो वोट करेंगे तो क्या होगा, उनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन अगर पार्टी यहां 15 दिन में माफ कर देती है तो बच जाएगी, लेकिन अगर पार्टी माफ नहीं करती है और वोट उसकी पार्टी के व्हिप के अगेंस्ट दिया जाता है, व्हिप का मतलब था उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि इस बिल के सपोर्ट में आपको वोट करना है, लेकिन अगर कोई पार्टी का सदस्य अपनी पार्टी के अगेंस्ट में जाकर वोट करता है तो उसकी सदस्यता भी 9-2-11 हो जाएगी, 9-2-11 हो जाएगी, 9-2-11 हो जाएगी। तो यहां पर समझना माय डियर फ्रेंड्स, मैं इंडिया, चाइना, भूटान,
है ना सर? हाँ हाँ यस यस। तो अभी जो मेन टॉपिक चल रहा है आप वहां पर ध्यान रखिए माय डियर फ्रेंड्स। आप कहां पर मेन चीज होती है कंसंट्रेशन, आपका कहीं दिमाग में दूसरा चल रहा है, ये टॉपिक्स तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं, जो मेन टॉपिक चल रहा है वहां पर आप ध्यान रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर आज के दिन के बाद आप दूसरे दिन इसके बारे में पूछेंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप थोड़ा बाद में पूछ ले। यस हाँ, बाद में आप क्लियर कर लेना, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो ये समझो थोड़ा सा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आने वाले समय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो यहां समझना कि हमने देखा पहला कब कि कोई व्यक्ति फर्स्ट में बीजेपी का अगर कोई सदस्य है कोई अन्य पार्टी का, वो स्वैच्छिक रूप से अपनी पार्टी को त्याग देता है। दूसरा, अपनी पार्टी ने जो व्हिप जारी किए मींस दिशा निर्देश दिए हैं उसके अगेंस्ट में जाकर, अगेंस्ट में जाकर क्या कर रहा है, वोट कर रहा है, वोट कर रहा है। एक थर्ड नंबर का कि कोई कोई निर्दलीय सदस्य है, कोई निर्दलीय सदस्य है, अगर वो निर्दलीय चुना गया और बाद में उसको लगा कि यार अब मैं निर्दलीय चुना हूं तो मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा, बाद में उसने सोचा कि बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं या कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, तो कोई निर्दलीय सदस्य अगर जीत गया है, एमपी एमएलए बन गया है और बाद में वो जाकर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आएगा, मीन्स उसकी सदस्यता चली जाएगी। फोर्थ नंबर पर क्या होगा कि अगर राष्ट्रपति ने लोकसभा या राज्यसभा में किसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया है, नॉमिनेट किया है, अगर वो व्यक्ति अपने नॉमिनेशन के 6 मंथ के बाद, यहां समझना, अगर वो 6 मंथ से पहले, अगर 6 मंथ से कम कम समय में अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, लेकिन वो 6 महीने बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये सभी पूरे मामले हैं। अब इन सभी मामलों की जांच पड़ताल कौन करेगा कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ हुआ है, क्या एंटी डिफेक्शन हुआ है किसी सदस्य का। तो यहां पर जो राज्यसभा है वहां पर जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वेंकैया नायडू साहब, ये देखेंगे कि किस व्यक्ति का एंटी डिफेक्शन हुआ है और डिसीजन कौन लेगा, चेयरमैन, मींस दल बदल के आधार पर उसकी सदस्यता को निरस्त की जाएगी। और अगर लोकसभा होगा तो वहां पर स्पीकर, स्पीकर ओम बिरला साहब वो डिसाइड करेंगे कि इसको दल बदल के आधार पर इसकी सदस्यता रद्द की जाएगी या नहीं। अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आ जाता है कर्नाटका। कर्नाटका का मामला क्या है, कर्नाटका का मामला ये था कि वहां पर जो जो एमएलए थे उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा था और वहां के जो स्पीकर थे, स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि एक जो इंपॉर्टेंट है कि एंटी डिफेक्शन मीन्स उनकी सदस्यता क्या होगी, रद्द होगी फर्स्ट। दूसरी, जब तक जो विधानसभा है उसका जब तक कार्यकाल रहेगा 5 साल का, विधानसभा है उसका अगर कार्यकाल 5 साल तक जब तक नहीं रहेगा तब तक ये चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। किसने कहा, स्पीकर ने। अब यहां ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट सीधा बोलती है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा समझना, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यहां कि जो स्पीकर है, स्पीकर केवल यह डिसीजन लेगा कि कोई सदस्य एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत उसकी सदस्यता जा रही है या नहीं, मींस उसी सदस्यता को रद्द करने का मामला केवल कौन कौन ले सकता है, स्पीकर। बाकी स्पीकर यह डिसाइड नहीं करेगा कि उसकी सदस्यता कितने समय के लिए जाएगी, मींस कब तक उसकी सदस्यता चली जाएगी और क्या वो चुनाव लड़ पाएगा या नहीं, ये भी आप डिसाइड नहीं करोगे, ये डिसाइड आप नहीं करोगे। आप सिर्फ इतना सा डिसाइड करोगे कि इसकी सदस्यता जा रही है या नहीं, वो अब विधानसभा मींस जो लोकसभा और राज्यसभा या फिर जो विधानसभा है उनका सदस्य रहेगा या नहीं। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया कि आप अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सिर्फ इतना सा डिसीजन करो कि वो सदस्य रहा है या नहीं, ये डिसीजन मत करो कि वो कब तक सदस्य नहीं रहा, वो चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं, ये डिसीजन हमारे ऊपर है। सो इसीलिए बाद में स्पीकर ने तो मना कर दिया था कि कर्नाटका में कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बदल दिया और बाद में जब उपचुनाव हुए तो वहां के एमएलए चुने गए वापस, उन्होंने चुनाव लड़ा।
तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसे मामले हमेशा आपको याद रखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपको याद होना चाहिए। अब यहां पर अगेन जो हमारा टॉपिक था, यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ, ब्लैक जो था एस स्वेत, उससे संबंधित हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहां पर स्टीम्ड एजुकेशन इज डाइल्यूटेड एजुकेशन। मींस आपने देखा होगा कि प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है ऑनलाइन। तो यहां पूरा बताया गया है कि इस एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है। यहां पर एक एक पॉइंट देखते हैं कि इस यहां पर केवल कितने पॉइंट हमको याद रखने हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। यहां पर डायरेक्टली हम इससे पढ़ेंगे कि यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी क्वालिटी है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं क्वालिटी। आपने देखा होगा कि जब ऑनलाइन हम करते हैं, ऑनलाइन जब पढ़ते हैं तो कई बार डाटा का प्रॉब्लम आता है, कई बार हमको जो क्वालिटी है वो नहीं मिलती, हम टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते जैसे क्लास में इंटरेक्ट करते हैं। क्लास पर टीचर का सबका ध्यान रहता है लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो कई तरह की हम नई नई चीजें सीखते हैं, चाहे वो प्ले ग्राउंड हो, चाहे दोस्ती हो लोगों के साथ, या जितना भी सोशलिज्म है वो हम सीखेंगे, लेकिन घर पर बैठे बैठे हम ये नहीं सीख सकते। तो इन्होंने कहा है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन अभी गवर्नमेंट ने चलाई है लॉकडाउन के समय, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। तो यहां पर कौन कौन से पॉइंट्स इन्होंने बोले जो हमारे एग्जाम में हम लिख सकते हैं, इन्होंने क्या क्या पूरे पॉइंट्स बोले हैं वो हमारे लिए यहां काम के हैं। तो इन्होंने क्या कहा है यहां पर कि यूजीसी की स्कीम आई है, यूजीसी ने अभी क्या चालू किया है कि रिसेंटली इन द वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, जो कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ, यूजीसी ने एक सर्कुलर जारी किया है यूनिवर्सिटीज को टू एनकरेजिंग देम टू अडॉप्ट मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये समझना, अभी प्रेजेंट में क्या हुआ है कि पहले हम यूनिवर्सिटी में जाकर किसी कोर्स को पढ़ते थे, लेकिन यूजीसी ने क्या कहा अभी कोरोना वायरस की वजह से कि आप ऑनलाइन कोर्सेज दे दो, ऑनलाइन पढ़ा दो सबको, बच्चों को क्या पढ़ा दो, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा दो, काम हो जाएगा, आपको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है कोरोना वायरस की वजह से। ये सभी कहा किसने, यूजीसी ने। तो यूजीसी ने जो एक गाइडलाइन जारी की है क्या कि आप मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज खोल दिया इसके कारण, और वो भी कहा ऑफर्ड ऑन इट्स स्वयं प्लेटफॉर्म। यूपीएससी 2017 में डायरेक्टली पूछा गया था कि स्वयं क्या है, स्वयं पोर्टल क्या है, ये क्या है, ऑनलाइन गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जहां पर ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती है कौन, गवर्नमेंट। तो यहां पर समझना, स्वयं पोर्टल चला दिया लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इन्होंने कहा ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। यहां पर इन्होंने ये वो कहा कि इट पोजेस ग्रेट डेंजर सिंस इट इज आल्सो बीइंग सीन एज ए इंस्ट्रूमेंट टू अचीव द कंट्रीज टारगेट ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो मतलब क्या होता है कि हमने एक टारगेट बनाया है यूनिवर्सिटी में कि हम यूनिवर्सिटी में लगभग जो हमारी जो हम अगर ट्वेल्थ में कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो उसका 30% जो बच्चे हैं 30% वो यूनिवर्सिटी में एनरोल करवाए। अगर कोई 100% बच्चे हैं, अगर उन्होंने ट्वेल्थ पास की है तो उनमें से मिनिमम 30% तो कम से कम यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करवाए। इसी को बोलते हैं यहां पर टारगेटेड ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। और अब आप सोचिए कि इन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी जो परमानेंट है वहां पर नहीं होकर इन्होंने ऑनलाइन जो ये एडमिशन ले रहे हैं, क्या इसी को यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट रेशियो मानेंगे? तो ये इनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं क्या है, गलत है, ये कहीं कहीं गलत है। यहां पर इन्होंने कहा कि एक अनोदर जो है वो है लर्निंग कर्व, फ्लैटरिंग ऑफ द लर्निंग कर्व। मींस ये जो सिखाया जा रहा है ऑनलाइन, यहां पर जो लर्निंग की कैपेसिटी वो क्या होती है, कम होती है। जो लर्निंग वहां सीखते हैं स्कूलों में उससे कहीं यहां पर कम है। ये इनका एक पॉइंट था। आगे इन्होंने क्या क्या कहा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो हम एग्जाम डायरेक्टली एग्जाम में कह सकते हैं। यहां पर इन्होंने कहा है कि अभी जो ये जितना भी मासिव ऑनलाइन कोर्सेज चले हैं, इसमें ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हो क्या रहा है कि ये टॉप डाउन अप्रोच बना रखा है इसने, टीचर टू स्टूडेंट। देखो दो अप्रोच होती है, हमने पहले भी समझा था, दो अप्रोच होती है, एक होती है बॉटम, एक होती है टॉप टू बॉटम,
और ये पहले भी चलता था, ये पहले भी चलता था कि टॉप लेवल पर कोई एजुकेशन कोई भी रूल बना उसको बॉटम को फॉलो ही करना पड़ता था। एक होती है बॉटम टू टॉप, मींस बॉटम को क्या जरूरत है, मींस यहां पर क्या जरूरत है, तब जाकर ऊपर योजनाएं बनेगी। ये योजनाएं कहां से पता लगती थी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी योजना बना देता था, राज्यों को पूछा नहीं जाता था, तो इसे बोलते थे टॉप टू बॉटम अप्रोच। लेकिन अब क्या पूछा जाता है राज्यों को कि आपको किस स्कीम की जरूरत होगी, तो इसको बोला जाता है बॉटम टू टॉप अप्रोच। यहां पर सेम वही हो रहा है ऑनलाइन कोर्सेज में कि यहां पर टॉप टू बॉटम अप्रोच चल रही है, मींस टीचर क्या पढ़ाना चाहता है वो पढ़ा दिया, स्टूडेंट से उसको कोई लेना देना नहीं है। मींस टीचर यहां कोई भी चीज क्रिएट कर रहा है और स्टूडेंट का काम बन गया उसको कंज्यूम करना, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है यहां पर। और इन्होंने क्या कहा कि सेक्रेट जो स्पेस है, जो स्पेस मिलता था बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, बॉक्सिंग, वो सभी ऑनलाइन कहां से मिलेंगे, वो सभी एजुकेशन ऑनलाइन एक अगर मिल भी रहे हैं तो उसका वो इफेक्टिवनेस नहीं होगा जो हमें एक तरह से गुल्ली, स्टेडियम, फील्ड और जो क्लासरूम में हमको, क्लासरूम में हम डिबेट करते हैं, क्लासरूम में हम डायलॉग करते हैं बच्चों के साथ, डिबेट करते हैं, डिसएग्रीमेंट होती है हमारे साथ, वो सभी यहां नदारद है, वो सभी हमें ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। ये सभी इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इन्होंने कहा। साथ में इन्होंने क्या कहा, साथ में जो इनका इंपॉर्टेंट है कि जो हम एक तरह से स्कूल में जो हमारे आइडियाज रहते हैं, ओपिनियन रहते हैं, जो हमारे इंटरप्रिटेशन रहते हैं या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, वो सभी हम यहां पर जो ऑनलाइन क्लासेज है वहां पर, यहां पर नहीं कर सकते। साथ में जो क्लासरूम है, जो क्लासरूम है और जो कैंपस है, क्लासरूम और कैंपस में हम क्या करते हैं, क्लासरूम और कैंपस में हमारे साथ क्या होता है कि जब हम क्लासरूम कैंपस में कोई बात बोलते हैं तो हमारे कई लोगों से हमारे झगड़े होते हैं, वहां पर हमको सोशल एंजाइटी भी हो सकती है, सोशल एंजाइटी भी हो सकती है। तो यहां समझना क्या क्या इन्होंने कहा कि जब हम क्लासरूम या कैंपस में रहते हैं तो हमारे लिए एक पोटेंशियल मिलता है हमारे लिए कि हम फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं, सोशल एंजाइटी, स्टेज फियर हमारा निकलता है और ये हमें कहीं ना कहीं आगे ले जाने का काम करते हैं। ये सभी हमारा जो ई लर्निंग है वहां पर नदारद रहते हैं, मीन्स वो हमें यहां पर नहीं मिलता। तो ये सभी कुछ पॉइंट्स थे जिन आधार पर आप ये लिख सकते हो कि जो ऑनलाइन अभी जो जितने भी कोर्सेज चला रखे हैं उनमें क्या डिफिकल्टी हो सकती है और जो एक गैप है इसको कैसे भरा जाना चाहिए। बस ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप कुछ समय के लिए ऑनलाइन चलाओ, उस समय के लिए आप ऑफलाइन चलाओ और दोनों को मिलाकर आप क्या करो, एक बैलेंस बनाओ। तो बैलेंस हमेशा जरूरी है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का। जब कोई इमरजेंसी की कंडीशन रहे तब आप ऑफलाइन, नहीं जब आप ऑनलाइन आ जाओ, जब सिंपल वे है तब ऑफलाइन में हमारी क्या चलनी चाहिए, क्लासेज। तो एक सिंपल सा क्या था, सिंपल सा एडिटोरियल था कि क्या इन्होंने प्रॉब्लम्स बताई है। उसके अलावा एक बार पहले भी हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं, कि जो एजुकेशन है, जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए नेट चाहिए अच्छा क्वालिटी का, हाई स्पीड नेट चाहिए। गांव में भी नेट की सुविधा नहीं है, हर किसी के पास उतना पैसा नहीं है कि हाई स्पीड नेट खरीदे, मोबाइल खरीदे ऑनलाइन चीजों के लिए। तो ये सभी मुद्दे थे जिनको हमने पहले भी डिस्कशन किया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है? आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर लगातार पढ़ाए जा रहे हैं, आप सभी को समझ में आ रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, मिस्टर आशुतोष, जितने भी हमारे साथ, अमन, लड्डू कुमार, सुषमा जी, दीपशिका सिंह जी, शिवानी जी, विकास, हेलन, ये सभी आपको समझ में आ रहा है? सनत मिश्रा, राजपूत काजल, राजीव, इमरान सर, नरेंद्र जी, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी को समझ में आ रहा है? पल्लवी जी, ये सभी जो लोग जुड़े हुए हैं, एक बार यस कर दीजिए कि आप सभी के समझ में आ रहा है, हम लगातार पढ़ाए जा रहे हैं आपको सभी को। एंटी डिफेक्शन लो, उसके बाद एजुकेशन को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन में। ओके, वेरी नाइस, मीन्स सभी आपके समझ में आ रहा है, वेरी नाइस। तो एंटी डिफेक्शन लो हमेशा याद रखना कि क्या है पूरा मामला। यहां पर अगेन हम चलते हैं, यहां हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट काम का नहीं है टॉपिक। इंग्लिश वगैरह के बारे में कहा है कि इंग्लिश में और दूसरी बातों में क्या प्रोनाउंसिएशन, देखो अगेन यहां पर देखो, अगर आपने पहले वाला आर्टिकल ऑब्जर्व किया है तो यहां पर वेटिंग फॉर
ए फेंट सिग्नल फ्रॉम ए डिस्टेंट टावर। मिस यहां पर भी सेम वही है, आपको मैं यहां से पढ़ा हुआ दिखा देता हूं पूरा। यहां पर बच्चे लोग हैं, यहां पर बच्चे लोग हैं, क्या कर रहे हैं यहां पर, देखिए ये क्या कर रहे हैं, यहां क्या कर रहे हैं आपको पूरा मैं दिखा देता हूं क्या लिखा हुआ है नीचे। यहां पर देखना, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, स्टूडेंट्स अटेंड ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इन जो बोरमार्ज जोंग विलेज इन असम कार्बी अलोंग डिस्ट्रिक्ट, कार्बी अलोंग जो असम है वहां पर जून 11 विथ नो इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से आपको चीजें समझ में आ रही होगी, हम लोग शहर में बैठे रहते हैं, हमारे पास 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो हम इन बातों को नहीं समझ सकते। तो यहां समझना, विथ नो इलेक्ट्रिसिटी ये स्टूडेंट चार्जेज हैज अ मोबाइल यूजिंग सोलर पावर इन ऑर्डर टू अटेंड हैज ऑनलाइन क्लासेज इन बोरमर्जोंग विलेज। तो यहां पर समझ में आ गया होगा, अभी हमने जो ऊपर कहानी पढ़ी थी पूरी, वो यहां पर कहानी क्लियर हो रही है कि हाँ रियल में प्रॉब्लम तो है, रियल में तो प्रॉब्लम है। देखिए सोलर पावर, यहां पर सोलर पावर से बैटरी को अपना क्या कर रहे हैं, चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समझना, ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया में अभी चल रही है, ये प्रॉब्लम इंडिया में चल रही है कि हमने ऑनलाइन क्लासेज ऑनलाइन कोर्सेज तो चला दिया, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो टावर चाहिए, जो नेट चाहिए हाई स्पीड, वो सभी हमारे यहां नहीं है। तो कैसे देखो बच्चे कैसे खड़े हैं, पूरा इन सभी को प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अभी जस्ट हमने जो आर्टिकल देखा था वो कहीं ना कहीं यहां मैच कर रहा है। यहां पर ये बच्चा देखो ऑनलाइन क्लासेज के चक्कर में कैसे पूरा कहां पर बैठा है, कितने इंस्ट्रूमेंट्स, बैटरी चाहिए इसके लिए, अलग से बैटरी के लिए पैसा चाहिए, दो दो बैटरियां रख रखा है, और यहां पर पूरा ये ऑनलाइन पढ़ रहा है लेकिन फिर भी लगन है। तो ये काफी अच्छी है, ऐसे ही लगन हमें हमेशा होनी चाहिए। अब चलते हैं पेज नंबर 8 पर हम कौन सी न्यूज लेंगे, यहां पर ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। हमने पूरा, मैं पहले से पढ़ के रहता हूं पूरा कि कौन से टॉपिक कहां से लेना है, तो मेरा सुबह ये काम रहता है उठते ही कि हम कौन सी न्यूज को देखेंगे। एक जो इंपॉर्टेंट है यहां पर आरोग्य सेतु, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि आरोग्य सेतु क्या होता है। यस बिहार में भी नेट स्लो चल रहा है, ओके बिहार में लगभग पूरे इंडिया में ही नेट स्लो चल रहा है, जो हम डायरेक्टली यूटिलाइज कर रहे हैं, तो बफरिंग की प्रॉब्लम इस टाइम ज्यादा आ रही है। एक जियो नेटवर्क काफी अच्छा काम कर रहा है, बाकी एयरटेल भी बहुत मुश्किल से काम कर रहा है। आरोग्य सेतु ऐप क्या होता है इसके बारे में देखते हैं पहले थोड़ा सा। यहां पर आरोग्य सेतु ऐप लिखा हुआ है कि आरोग्य सेतु ऐप नॉट मस्ट फॉर एयर एंड ट्रेन ट्रेवल, इसको देखते हैं आरोग्य सेतु ऐप। ये कंट्रोवर्सी का विषय रहा था, ये क्या रहा था, कंट्रोवर्सी का विषय रहा था आरोग्य सेतु ऐप। तो यहां पर क्या है, आरोग्य सेतु ऐप सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसमें पॉइंट्स आप क्या क्या याद रखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया एक मोबाइल ऐप है। क्या है, मोबाइल ऐप। ये आप मोबाइल में क्या कर सकते हो, इसे डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। और ये किसके द्वारा लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उसके द्वारा लेकर आया, आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन उसके द्वारा लाया गया एमआईटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन मीन्स जो दूरसंचार मंत्रालय है उसके द्वारा। इसमें क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आप हो, आपके डाटा को यहां पर कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उसके आधार पर इसमें पूरा डाटा अपलोड कर दोगे। एक दूसरा व्यक्ति है उसके पास भी मोबाइल है, इसके पास भी मोबाइल है, यहां पर आपने अपना डाटा फीड कर दिया, इस व्यक्ति के पास भी मोबाइल है जिसमें आरोग्य सेतु ऐप है। अब सोचिए कि क्या होगा, आपका एक ब्लूटूथ के द्वारा अगर आपका ब्लूटूथ आपने ऑन भी नहीं कर रहा उसके बावजूद ही डाटा का शेयर कर सकता है, इसके पास ये कैपेसिटी कि आपके मोबाइल में क्या डाटा का शेयर कर सकता है। अब ये व्यक्ति था, इसने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखा था, ये एक व्यक्ति ए है, इसने भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखा था, ये बी व्यक्ति है। अब हुआ क्या कि किसी दिन इसको क्या हो गया, कोरोना वायरस से ग्रसित हो गया। अब क्या होगा कि इस व्यक्ति का डाटा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास था, अब गवर्नमेंट क्या करेगी,
इस व्यक्ति के मोबाइल में इस व्यक्ति के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी और गवर्नमेंट के पास पहुंच गया कि अभी कोरोना वायरस से ग्रसित हो चुका है, तो इससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो जो आरोग्य सेतु ऐप है उसमें डाल दी जाएगी, उसमें डाल दी जाएगी। और अब क्या होगा, अगर किसी दिन आपके संपर्क के आसपास ये व्यक्ति अगेन आता है तो आपको अलर्ट मिल जाएगा कि आपका चांसेज है आपके आसपास कोरोना से ग्रसित व्यक्ति है। और आपको थोड़ी सी हिस्ट्री तो नहीं मिलेगी कि कौन सा व्यक्ति है, लेकिन आपको अलर्ट मिल जाएगा, आपको एक अलर्ट मिल जाएगा कि आपके कितने परसेंट चांस है, आपके कितने परसेंट चांस है कोरोना वायरस के होने की। और आप क्या हो जाओगे, सतर्क। क्या हो जाओगे, सतर्क। यस, हॉटस्पॉट ब्लूटूथ। तो यहां समझना कि आरोग्य सेतु ऐप है वो कहीं ना कहीं किसी लोगों की क्या है, प्राइवेसी को क्या कर रही है, प्राइवेसी को खतरा पहुंच सकता है इससे, इसीलिए कई लोग इसको डाउनलोड भी नहीं कर रहे। और अब आरोग्य सेतु ऐप को, पहले क्या था कि कोई भी ट्रेवल करेगा तो उसका पास आरोग्य सेतु होना चाहिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसके लिए मना कर दिया कि जो भी लोग एयर के थ्रू अब ट्रांसपोर्ट करेंगे उनके लिए जरूरी नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, कौन सी मिनिस्ट्री क्या है, मोबाइल ऐप है, इसमें डाटा का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट, अगर एक लाइन में हम इसको बोले कि ये क्या करता है, अगर एक लाइन देखें, अगर गवर्नमेंट की पीआईबी के अनुसार लाइन देखें, पीआईबी में क्या लिखा हुआ था, तो ये करता है टू ट्रैक कोरोना वायरस इन्फेक्शन, मींस कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है उसको ट्रैक करने का काम करता है कौन, ये जो आरोग्य सेतु ऐप है। दूसरा, टू अलर्ट पीपल फ्रॉम इन्फेक्शन, लोगों को क्या करेगा, इन्फेक्शन से अलर्ट भी करेगा, दूसरा ये भी ट्रैक करेगा कि किसको कोरोना वायरस होने के चांसेस हैं। तो ये दोनों काम कौन कर रहा है, हमारा आरोग्य सेतु ऐप। लेकिन प्राइवेसी को लेकर प्रॉब्लम है। साथ में एक और जो पॉइंट याद रखोगे कि है हमारे देश की लगभग 11 लैंग्वेज में है, तो अगर डायरेक्टली यूपीएससी स्टेटमेंट बनाए कि ओनली इन इंग्लिश तो ये गलत हो जाएगा, ओनली हिंदी ये गलत हो जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश तो हम समझते हैं हाँ हिंदी इंग्लिश में होगा, बढ़िया यही स्टेटमेंट हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ये देश की लगभग 11 भाषाओं में उपलब्ध है और आसानी से इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता। तो ये सभी पॉइंट्स थे आरोग्य सेतु के जो आपको याद रखना जरूरी है, कोई सा भी स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डॉक्यूमेंट्री थी, मिस डॉक्यूमेंट थे, उस आधार पर यूपीएससी बना सकता है। तो ये आरोग्य सेतु नॉट ए मस्ट फॉर एयर और ट्रेन ट्रेवल। अगर अब आप ट्रेन के द्वारा या एयर के द्वारा कहीं पर भी अगर आप जा रहे हो, आ रहे हो, अगर आपको आरोग्य सेतु ऐप के लिए बोले तो आप यहां पर अब सतर्क रह सकते हो। तो ये न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मेजर जनरल लेवल टास्क ऑन एलएसी कंटिन्यू, तो ये पहले भी हम देखे थे इंडिया एंड चाइना का क्या प्रॉब्लम है, हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था, आज फिर थोड़ा सा देखेंगे। सेकेंड, यहां पर नेपाल लोअर हाउस, यहां पर ये हमारी न्यूज आज डिस्कशन की रहेगी अगेन कि नेपाल्स लोअर हाउस टू वोट ऑन न्यू मैप। अब देखो लगातार ये सूचनाएं, ये न्यूज चल रही है कंटिन्यूस न्यूज़पेपर में। तो अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वही पॉइंट्स क्लियर होंगे, वही पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। काला पानी, लिंपी यदुरा और लिपू लेक, ये प्रेजेंट में कहां, हमारे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, हमारा जो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ही आता है। तो सैम वही यहां पर आया हुआ है। बिल कहां लाया गया है, जो पार्लियामेंट है नेपाल की, कांग्रेस जिसे बोलते हैं नेपाल कांग्रेस, वहां पर नेपाल की जो पार्लियामेंट है वहां ये बिल लाया गया है। तो अभी हम देखेंगे इसे पूरा अच्छे से, पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है, ऑलरेडी हम इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। फर्स्ट यहां पर जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो यहां पर है कि पूरा मामला क्या है, यहां पर समझना। फर्स्ट जो न्यूज थी यहां पर पेज पर वो थी मेजर जनरल लेवल की जो टॉक है वो एलएसी पर अभी भी चल रही है, सबसे जो इंपॉर्टेंट। अब यहां देखना, इंडिया चाइना हेल्ड अनदर राउंड मेजर जनरल टॉक, मींस अभी भी चल रही है फ्राइडे, टू रिजोल्व स्टैंड ऑफ, जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसको रोकने के लिए बॉर्डर पर, कहां पर, लद्दाख।
अब लद्दाख पर कहां पर, हमने पहले ही देखा था, अगर ये लद्दाख देखें हम, यहां पर ये लद्दाख का पूरा एरिया था। लद्दाख में कहां, गलान वैली, यहां पर कौन सा रीजन था, गोगरा, गोगरा रीजन, या फिर इसी को बोलते हैं हम हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग, या इसी रीजन में हम बोलते थे पीपी 14 पेट्रोलिंग पॉइंट, 14 पेट्रोलिंग पॉइंट 15, ये सभी एरिया भी यहां पर ही हैं। सेकंड थर्ड यहां पर पेंगोंग लेक, पेंगोंग लेक जहां पर कौन सा एरिया है, फिंगर फोर, फिंगर फोर एरिया, फिंगर फोर एरिया एंड फिंगर एट एरिया, एट एरिया से चाइनीज आर्मी का इंट्रूशन कहां हो गया है, पेंगोंग लेक में। तो ये सभी एरिया थे गोलान, यहां पर गोगरा रीजन और ये पेंगोंग लेक। अभी आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स, क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरी राम कहानी ये क्या है। यहां पर समझ में आ रहा होगा अब यहां पर कि न्यू दिल्ली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हेड अनदर रिव्यू मीटिंग, इसने जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है विपिन रावत साहब और जो तीन सेना है हमारे उन सभी के साथ इसने मीटिंग की है। अब यहां देखेंगे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ईस्टर्न लद्दाख में, वहां कैसे वापस नॉर्मल स्थिति में पहुंचे दोनों आर्मी। और यहां पर देखो पेट्रोलिंग पॉइंट कौन कौन से, 14, 15 और 17, कहां पर, गोगरा एरिया, सेम वही अगेन न्यूज में आया है। उसके बाद अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर देखना पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17, यहां पर नॉर्थ बैंक ऑफ पैगंग तसो एंड सुसुल, यहां पर सेम वही पॉइंट अगेन आया यहां पर, तो पैंगोंग तसो लेक, बार बार वही सब बोला जा रहा है। अभी मिलिट्री लेवल की क्या चल रही है, बातचीत चल रही है दोनों देश के बीच में और टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सोल्व करने में। तो ये सभी पूरा था, हमने पहले भी देखा था कि लद्दाख कहां पर है, चाइना के साथ कौन कौन सी बाउंड्री जुड़ रही है, फाइव फिंगर पॉलिसी क्या होती है, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके थे कि चाइना अपना हाथ तिब्बत को बताता है, उसको छीन लिया, और जो पांच उंगलियां हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और हमारा जो लद्दाख वाला एरिया है उसको बताता है, और लद्दाख में अक्साई चीन को छीन ही लिया, डोकलाम पर अपना दावा बता रहा था। तो ये सभी पॉइंट्स थे जो हमने पहले भी किए हैं, पहले भी हमने डोकलाम में 2017 में अच्छे से लगभग 10-15 दिन से हम लगातार इन न्यूज का डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मुझे ये बताइए कि जो चाइना एंड इंडिया का जो प्रॉब्लम था मैप के द्वारा आपको अच्छे से समझ में आ गया, जल्दी से यस कर दीजिए, जल्दी से यस कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लिख दीजिए, बाकी कर दीजिए यस यस कि आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं यहां पर नेपाल्स लोअर हाउस टू वोट ऑन न्यू मैप, यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट। यहां पर देखेंगे कि नेपाल ने हाल ही में क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई है जिसके तहत वो क्या कर रही है कि जो ये एरिया है कौन कौन से, कालापानी, लिम्पियदुरा और लिपुलेख, जो हमारे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है जो हमारा उत्तराखंड का, उसके अंतर्गत ही आते हैं, उसको अपना बताने के लिए अपना एक मैप जारी कर रही है, कहां, संसद में, संसद में। तो ये पूरा पॉइंट था डिस्कशन का संसद में, तो आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ओके ओके। तो यहां पर पूरा मामला हम पहले भी देखे थे कि पूरा मामला कहां से स्टार्ट हुआ, हमारा यहां सिक्किम है, सिक्किम में यहां नाथुला रीजन था, नाथुला दर्रा, वहां से होते हुए हम तिब्बत मानसरोवर का कहां यात्रा जाते थे, हमें लगा कि हम लगभग 80-90% यात्रा कहां कर रहे हैं, तिब्बत में कर रहे हैं, और ये ज्यादा यहां मुश्किल रास्ता है, साथ में हमारा टूरिज्म वो भी डेवलप नहीं हो रहा, टूरिज्म तो किसका, चाइना का डेवलप हो रहा है, तो क्यों ना हम इस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हम खुद ही यहां सड़क मार्ग बनाएं, और खुद यहां से इंडिया की बाउंड्री से होते हुए सड़क मार्ग बनाएं, सड़क मार्ग कहां से बनाएं, इंडिया से होते हुए। तो इसीलिए अब ये आ गया, इंडिया ने क्या किया, यहां पर पहले में भी बात की थी कि ये इंडिया का मैप है, यहां पर क्या है, नेपाल का मैप और बाकी ऊपर चाइना। तो इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने 8 मई को क्या किया था, जो हमारे राजनाथ सिंह है गृह मंत्री, उन्होंने क्या किया, एक नई नई सड़क बनी थी यहां पर, जो धारचूला डिस्ट्रिक्ट है किसका, नेपाल का, यहां से एक सड़क बनी थी जो जा रही थी कालापानी रीजन से, ये जो पूरा एरिया है ये है कालापानी रीजन, ये कालापानी रीजन इसलिए क्योंकि यहां काली रिवर बहती है, यहां काली रिवर बहती है, काली रिवर उसी के नाम से इसका नाम कालापानी पड़ा है, यहां पर ऊपर लिम्पियदुरा है और यहां लिपुलेख पास ये दर्रा है, यहां से पास होते हमने सड़क बना दी कैलाश मानसरोवर, और इससे नेपाल चिढ़ गया, इससे नेपाल चिढ़ गया, नेपाल ने कहा कि ये जो कालापानी रीजन है, ये कालापानी रीजन है, ये तो मेरा है, आप यहां से सड़क कैसे बना सकते हो। और उसी को लेकर अब अपना दिखाने के लिए इसने एक मैप बनाया है, और मैप को पार्लियामेंट में पास करवाने के लिए अभी क्या हो रहा है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। अब यहां पर देखना, ये है लिम्पियदुरा, ये जो अब चाहे नेपाल क्या बोलता है कि मेरा जो वेस्टर्न जिला है,
जो नेपाल का, जैसे अरे हाँ यहां समझना, जैसे अगर इंडिया की बात करें, यहां पर आप बोलोगे कि सर ने मैप क्या बना रहे हैं, डायग्राम यहां पर समझना, अगर इंडिया की हम बात करें यहां पर, तो ये डायग्राम्स आपको हमेशा बनाना आना चाहिए, डायग्राम्स आपको हमेशा बना, मींस मैप आपको हमेशा बनाने आने चाहिए। यहां पर अगर आप इंडिया का मैप बनाएं तो यहां पर इस पे ड्राइंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन इस टाइप से आप बना सकते हो, यहां पर इस टाइप से, यस। तो यहां पर समझना, ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है एंड ये साउथ। यहां पर कुछ डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं हमारे वेस्टर्न में, उसी तरह जो नेपाल है, नेपाल का नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो वेस्ट में क्या है, धारचूला डिस्ट्रिक्ट। तो ये बोलता है नेपाल कि जो धारचूला डिस्ट्रिक्ट मेरा वेस्टर्न है उसी का पार्ट है, यहां तक मेरा धारचूला डिस्ट्रिक्ट यहां तक फैला हुआ है, मींस ये जो कालापानी रीजन है ये मेरा है, साथ में लिपुलेख पास और ये जो लिम्पी अधूरा, मींस जो कालापानी रीजन का नॉर्थ ईस्ट जो भाग है वो भी मेरा है, उसी को लेकर प्रॉब्लम हो रही है। और यहां पर प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई थी, सगुली ट्रीटी, हमने पहले भी देखा था कि सगुली ट्रीटी क्या थी। उसके अनुसार 1816 में एक सगुली ट्रीटी हुई थी, उसके अनुसार अंग्रेजों ने यह कहा था कि ये जो काली रिवर है, अब काली रिवर का प्रॉब्लम क्या है कि नेपाल मानता है कि काली रिवर का ओरिजिन यहां से हो रहा है क्योंकि उसकी साइक नदी यहां से आ रही है, इंडिया मानता है कि काली रिवर का ओरिजिन यहां से हो रहा है, तो काली रिवर को यहां माने या यहां माने, अगर यहां माने तब तो इंडिया का यह भाग है, अगर नेपाल का कहना माने कि नहीं काली रिवर तो यहां से आ रही है तो इधर का पार्ट इंडिया का और बाकी जो पार्ट है नेपाल का। तो ये आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सगुली ट्रीटी क्या है और ये जो काली रिवर है इसका मामला क्या है। आई थिंक आपको ये अब क्या हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। नहीं, काला पानी नहीं है, काली रिवर जस्ट नाम है, नॉट काला पानी, पानी साफ है, पानी एकदम ब्लू है, काला पानी नहीं है। जैसे ब्लैक सी भी है, येलो सी है, व्हाइट सी है। तो ब्लैक सी है, येलो सी है, व्हाइट सी, इसका मतलब ये नहीं कि इनका पानी ब्लैक है, इसका येलो है, इसका व्हाइट है, ये जस्ट नाम है। तो इसलिए काली नदी यहां पर केवल क्या है, एक नाम है, नाम है। 2021 यूपीएससी एग्जाम के लिए कब से करंट अफेयर्स करना पड़ेगा, देखो अगर आप 21 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 21 के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो करंट के लिए आप हमेशा, अगर आज से सोच लिया आपने यूपीएससी की, अगर यूपीएससी आपको 5 साल बाद भी देना है, अगर आपने यूपीएससी के लिए प्लान बना लिया कि मुझे कलेक्टर बनना है, अगर आप 2025 में भी एग्जाम देने वाले हो, तो न्यूज़पेपर और नोट्स बनाना आपको आज से ही कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में एग्जामिनेशन टफ होगी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, करंट के ऐसे इश्यूज रहते हैं जिनमें यूपीएससी चार चार पांच पांच साल पीछे जाकर क्वेश्चन पूछती है। अगर आप मेरा नहीं मानते हो, अगर आप इसको ऐसे ही मानते हो, तो आप जाकर देखना 2016, 2011 ये सभी ऐसे एक्ट है काफी जिनसे संबंधित यूपीएससी ने 2019 का क्वेश्चन पेपर आज ही आप जाकर देखना 2011 के ऐसे एक्ट है, 2016 के ऐसे एक्ट है जहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो 3-4 साल के पीछे के वो डिपेंड करता है कि मैटर कब न्यूज में आता है। यस, उस रिवर का नाम है काली रिवर। यस, तो यहां पर समझना ये मैं बता रहा हूं कि अगर आपने यूपीएससी के लिए आज प्लान बनाया है तो आपका करंट हमेशा टॉप लेवल का होना चाहिए। यहां पर यूपीएससी में फिक्स नहीं है, ये लोगों ने बना दिया है। देखो इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट समझना, ये जो 1 साल का करंट, 2 साल का करंट, 3 साल का करंट और स्पेशली 1 साल का करंट, ऐसे लोग क्या करते हैं, जो इंस्टीट्यूट वाले हैं स्पेशली इंस्टीट्यूट वाले, उन्होंने क्या किया है, पूरा 1 साल का पूरा वो बना दिया है प्लान कि हां यूपीएससी पिछली साल की हुई थी 2 जून को, तो 2 जून से छोड़ दो, मई से लेंगे, मिस एक महीने पहले का ले लेते हैं, मई से लेकर अब यूपीएससी का 1 महीने पहले तक करंट पूछेंगे करंट। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इसलिए कि इस दौरान जितनी क्लासेज होगी उसको ऑनलाइन प्रोवाइड करें और बच्चे जो हैं ज्यादा से ज्यादा, अगर सोचिए अगर ये इसमें अगर 2-3 साल का पूछे तो बच्चा कौन क्लास लगाएगा, उनको पता है कि ये कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1 साल में कवर कर रहे हैं,
तो क्या करेंगे बच्चे क्लास लगा लेंगे। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 5 क्वेश्चन तक यहां करंट से डायरेक्टली मिल जाते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन क्या है आपको 2-3 साल मिस 2 साल पिछले आजकल करंट से पूछ रहा है कौन यूपीएससी। आप जाकर खुद क्या करो पेपर्स को देखो, करंट में पिछले 1-2 साल में जो इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में भी यूपीएससी पूछ रहा है, उनके बारे में भी यूपीएससी पूछ रहा है। तो थोड़े से सतर्क रहना है, थोड़े से सतर्क रहना है। लेकिन न्यूज़पेपर अगर आप लेट भी एग्जाम देते हो तो आप हमेशा पढ़ना स्टार्ट कर दो, न्यूज़पेपर के दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, इससे आपके आइडियाज क्या हो जाएंगे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। पेज नंबर 10 पर हमारे लिए कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें, पेज नंबर 10 पर हमारे लिए कोई ऐसी न्यूज नहीं है। पेज नंबर 11 भी ऐसी क्यों न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। चलते हैं पेज नंबर 12, तो किसी काम का नहीं रहता, पेज नंबर 12 किसी काम का नहीं रहता हमारे लिए, पेज नंबर 13 किसी काम का नहीं रहता। अब चलते हैं पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 वर्ल्ड से रिलेटेड न्यूज है जो अभी हमारे लिए आज यहां पर ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें, जिसका कोई डिस्कशन हम करें। हांगकांग से रिलेटेड हमारे जितने भी थे, हांगकांग का क्या प्रॉब्लम था उससे संबंधित हमने पहले भी डिस्कशन किया था, हांगकांग के लेकर हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। हमारे लिए जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी वो है आज यहां पर, ये है रिजर्व, यहां पर देखना ये वाली न्यूज हम डिस्कशन करेंगे। यहां पर आपको सभी को दिख रहा होगा अच्छे से, रिजर्व सर्ज 8.2 बिलियन इन ए वीक एंड एक्सीड $5 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। मींस हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो 500 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है। ये हम देखेंगे कि फॉरेन जो इंडिया जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, इसका हम डिस्कशन करेंगे। बाकी अब आपको मैं बता देता हूं, यहां पर पेज नंबर 15 पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें, फालतू की बातें लिखी हुई है जिनको कोई लेना देना नहीं है। पेज नंबर 16 स्पोर्ट्स से संबंधित है जिसका हम वैसे डिस्कशन नहीं करते, यूपीएससी में कोई एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब चलते हैं हम, हमने जीएसटी काउंसिल का कर लिया था, हमने एंटी डिफेक्शन लुक कर लिया है, अब चलते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज। ये आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ कॉन्सेप्ट आप हमेशा सीखोगे, इसको ध्यान से समझना। ये है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसको देखना ये क्या होता है, यहां से सारे पॉइंट्स आप समझ जाओगे। आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज आर एसेट मिस वैसी संपत्ति हेल्ड ऑन रिजर्व मिस रिजर्व के रूप में रखा जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां फर्स्ट एक रिजर्व है मिस भंडार है किसका, संपत्तियों का, कौन रखता है, सेंट्रल बैंक। हमारे यहां कौन है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक बोले तो कौन, आरबीआई। किसमें, फॉरेन करेंसीज में, जिसमें क्या क्या हो सकता है, यूपीएससी डायरेक्ट स्टेटमेंट बना सकती है, जिसमें बॉन्ड हो सकता है, यहां पर मेरी फोटो हो सकती है तो मैं लिख देता हूं, इंक्लूड्स बॉन्ड्स ट्रेजरी बिल, हमने पहले ही देखा था एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर गवर्नमेंट मीन जीसेक, ये सभी जो गवर्नमेंट क्या लेती है पैसे के रूप में। यहां समझना ये क्या बोल रहा है, विच कैन इंक्लूड। अरे माय डियर फ्रेंड्स, फॉरेन करेंसीज तो है ही, विदेशी मुद्रा तो है ही यहां पर इस भंडार में, लेकिन यहां पर बॉन्ड भी हो सकता है, यहां पर ट्रेजरी बिल भी हो सकता है, और जी सेक भी इसका पार्ट हो सकता है। और यहीं से स्टेटमेंट यूपीएससी ने अगर बना दिया तो मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर घायल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा हमेशा रिजर्व में कि सोना चांदी विदेशी संपत्ति डॉलर, ये सभी पढ़े हैं, बॉन्ड कभी नहीं पढ़े, ट्रेजरी बिल नहीं पढ़े, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी इसका पार्ट हो सकती है, ये सभी नहीं पढ़े हुए हैं, तो इसलिए ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं यहां पर, तो ये एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या शामिल है। अगेन समझना, इट नीड्स टू बी नोटेड दैट मोस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर हेल्ड इन यूएस डॉलर। अब यहां समझना कि ज्यादातर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो यूएस डॉलर के रूप में रखे जाते हैं। अब यहां समझना, दीज एसेट्स सर्व मेनी पर्पज, अब इसको रखने का पर्पज क्या है, बट आर मोस्ट सिग्निफिकेंटली हेल्ड टू एंश्योर, जो मेन इसका रीजन है वो है सेंट्रल बैंक हैज बैकअप फंड्स, सेंट्रल बैंक के लिए बैकअप फंड का रहता है, इफ द
India's foreign reserve means national currency rapidly devalues and become altogether insolvent. अगर हमारी जो करेंसी है, अगर यहाँ डॉलर का भाव कितना है, 60 रुपए, मीन्स एक डॉलर बराबर कितना है, 60 रुपए. अगर सोचिए एक डॉलर बराबर कितना हो जाए, डायरेक्टली 120 रुपए हो गए, तो हम तो लुट जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे. हमारा तो हालत खराब हो जाएगा कि एक डॉलर से पहले हमारे 60 रुपए थे, अब एक डॉलर बराबर हमारे 120 रुपए हो गए. तो हम अगर विदेश में घूमने जा रहे हैं तो पहले 60 रुपए में हमको एक डॉलर मिल जाता था, अब हमको 120 रुपए देकर हमको क्या देना पड़ेगा, एक डॉलर के बराबर सामान मिल रहा है, तो हम तो लुट गए. तो अब क्या होगा इसके लिए, ऐसा नहीं हो कि अचानक हमारे मूल्य का भाव गिर जाए, मीन्स अचानक हमारे रुपए का भाव गिर जाए. इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई अपना फॉरेन रिजर्व बनाकर रखती है और इससे अपना जो पैसा है उसका मूल्य गिरने से बचाती है, उससे मूल्य को गिरने से बचाती है, उसके मूल्य को गिरने से बचाती है. अब यहां समझना, यहां समझना, जो गवर्नमेंट है, जो आरबीआई है, वो इंडिया के फॉरेन रिजर्व में क्या क्या सम्मिलित करके रखती है. डायरेक्टली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लेगा, डायरेक्टली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लेगा. पहला, फॉरेन करेंसी जिसमें एज ए डॉलर डॉलर रहता है, येन हो सकता है, पाउंड हो सकता है, ये भी फॉरेन करेंसीज हैं, यूरो हो सकता है. दूसरा है गोल्ड, मीन्स हम कोई दूसरे देश की करेंसी ले सकते हैं, गोल्ड हो सकता है. और तीसरा है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, SDR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है SDR. यहां से यूपीएससी 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया था SDR. अब ये क्या होता है, यहां समझना, SDR क्या होती है, ये करेंसी है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट करेंसी है किसकी, मीन्स ये मुद्रा है किसकी, ये एक आर्टिफिशियल करेंसी है जो किसके द्वारा बनाई गई है, IMF. SDR किसकी करेंसी है, IMF के द्वारा. डायरेक्टली पूछ लेगा, यूजेस देम फॉर इंटरनल अकाउंटिंग पर्पस, ये छोड़ दो, बस किसकी करेंसी है और इस करेंसी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है. इसके लिए पांच मुद्राओं को लिया जाता है, जिसमें US डॉलर, यूरो या जापानीज येन, चाइनीज युआन और यहां पर ब्रिटिश पाउंड. तो पांच करेंसी को जोड़कर एक मुद्रा बनाई गई है, उसका नाम है SDR. किसकी मुद्रा है, यहां पर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की. तो SDR इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट रेट चार्ज मेंबर कंट्रीज पर. इस यहां पर SDR जो है, SDR ये जो मुद्रा है, इसी के आधार पर इस पर कितना इंटरेस्ट रेट है, इसका इंटरेस्ट रेट निकाल कर उसी आधार पर क्या किया जाता है, दूसरे देशों को लोन दिया जाता है, SDR. तो यहां पर हमारा डायरेक्टली क्या है कि फॉरेन करेंसी, गोल्ड, SDR और एक है रिजर्व पोजिशन इन द IMF. हमारा IMF पे कुछ रिजर्व है, हमारा IMF पे कुछ रिजर्व रहता है, मीन्स कोई भी देश रहता है, अगर उसको IMF में सदस्यता लेनी रहती है तो कुछ ना कुछ रिजर्व करना रहता है, कुछ ना कुछ पैसा डोनेट करना रहता है IMF में. मीन्स डोनेट का मतलब वहां पर कुछ रिजर्व उसको बताया जाता है कि इतना पैसा आपको देना पड़ेगा. उस पैसे को भी हम किसका भाग मानते हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का. तो ये चार पार्ट समझना, फॉरेन करेंसी, गोल्ड, SDR और जो हमारा IMF है. IMF में हमारा जो रिजर्व पोजीशन है, जितना पैसा हमने जमा करवा रखा है, वो भी इसका पार्ट है. तो ये समझना कि ये सभी जो चारों पॉइंट है, ये किसका पार्ट है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का. और हाँ, यहां पर बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी इसका पार्ट हो सकती है. मींस अगर बाहर के किसी देश ने बॉन्ड जारी किया है तो वो भी इसका पार्ट हो सकता है. तो ये सभी पॉइंट्स थे जिनका हमने डिस्कशन किया. तो माय डियर फ्रेंड्स, यस बीपीएससी में आएगा, यस बीपीएससी में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, वहां तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कालापानी रीजन कहां है, कालापानी लिपुलेख कहां है, लिम्पी अधूरा कहां है. ये जो मामला है कालापानी का, ये किस देश के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया चाइना, इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल, डायरेक्टली. तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो क्वेश्चन आप आसानी से बना दोगे, एग्जाम में बना दोगे. सर बीपीएससी में आएगा ना ये सब, हाँ, तो मैं यही तो बता रहा हूं कि कैसे पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चन पूछने का ट्रिक अलग अलग होता है, बाकी क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं. तो ये सभी हमारा डिस्कशन था माय डियर फ्रेंड्स. जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मीन्स जुड़े हुए हैं, वो एक बार बता दीजिए कि यस समझ में आ गया है सारा कॉन्सेप्ट. तो उसके बाद हम हमारी क्लास को यहीं विराम देते हैं. फिर आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो. मीन्स यहां पर जो समझने वाली बात है, अगर कोई स्टेट पीसीएस के बच्चे भी देख रहे हैं तो ये समुद्र है,
समुद्र में से अगर आपने ये सारा पूरा समुद्र पढ़ डाला है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ज्यादा पढ़ना है, लेकिन एज ए नॉलेज वाइज फिर आपको कोई सा भी यहां से आसपास से दायरे से कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप उस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे। और ये ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपको कई बार एज देते हैं, कई बार एग्जाम में आपको अच्छा करवाते हैं। तो ओके, सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच। जहां तक मेरा आइडिया है, जहां तक मेरी सोच है और जहां तक मैंने इंटरप्रेट किया है, आप सभी लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वो भी आएगी माय डियर फ्रेंड्स, वो 11 बजे आ जाएगी। तो यहां पर समझना सभी आप लोगों को क्लियर हो रहा है, सभी लोगों को आपको क्लियर हो रहा है, तो वेरी नाइस। अगेन हम 7:30 पर कल मिलते हैं, तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज की क्लास। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड कोऑपरेशन।